नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उड़द और तुअर दाल के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कीमतों पर लगाम रखने और सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तुअर और उड़द दाल के इंपोर्ट को फ्री कैटेगरी में ही फिलहाल रखने का फैसला किया गया है। इनको मार्च 2023 तक फ्री कैटेगरी में रखा गया है। सरकार के इस फैसले का क्या असर होगा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। बता दें, सरकार ने उड़द और तुअर दाल इंपोर्ट को एक साल के लिए और बढ़ाया है। यानी मार्च 2023 तक तुअर और उड़द दाल के इंपोर्ट पर ड्यूटी फ्री होगी। दोनों दालों के इंपोर्ट को फ्री कैटेगरी में रखा गया है। बता दें कि इससे पहले तुअर और उड़द दाल के इंपोर्ट पर 31 मार्च को मियाद खत्म हो रही थी। वहीं गौरतलब है कि दालों के दाम पहले ही 2.5 से 3.5% तक कम हो चुके हैं। वहीं 2021-22 में 2.69 करोड़ टन दाल के उत्पादन का अनुमान है। अब बता दें कि सरकार के फैसले का जो मकसद था वो क्या है, तो बता दूं, सरकार ने ये फैसला देश में दालों की कमी को रोकने के लिए लिया है। इससे दालों की कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सकता है। बता दें कि भारत मांग का 10% दाल इंपोर्ट करता है। अब कब कब इसमें इंपोर्ट हुआ है, कब इंपोर्ट हुआ है और क्या ड्यूटी फ्री रही, तो मैं बता दूं, दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी कब फ्री हुई, तो नजर डालते हैं। तुअर और उड़द दाल के इंपोर्ट पर सरकार ने 15 मई 2021 को इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की थी, जिससे 31 अक्टूबर 2021 तक लागू किया गया था। जिसके बाद सरकार ने दालों के इंपोर्ट की मियाद 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी थी। अब बता दूं कि कितना दाल इंपोर्ट हुआ है, तो नजर डालते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 23 लाख टन दलहन ये इंपोर्ट हुआ है। वहीं उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 28 मार्च को अरहर दाल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 102.99 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो एक साल पहले के 105.46 रुपए प्रति किलोग्राम से 2.4% कम है। 28 मार्च को उड़द दाल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 104.3 रुपए प्रति किलो था, जो एक साल पहले के 108.22 रुपए प्रति किलो से 3.62% कम है। वहीं तुअर का दाल अपने एमएसपी से ऊपर नजर आ रहा है। तुअर का एमएसपी 6,300 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि एक महीने पहले तुअर दाल का जो भाव था वो 6,150 से 6,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा था, जबकि एक हफ्ते पहले 6,300 से 6,800 रुपए प्रति क्विंटल इसके भाव था। वहीं उड़द का एमएसपी 6,300 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि एक महीने पहले तुअर दाल का भाव 6,250 से 7,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा था। वहीं एक हफ्ते पहले 6,300 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल इसका भाव था। सरकार का दालों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। सरकार ने देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि FMSM लागू किया है। सरकार जल्द ही दलहन पर पॉलिसी लगाएगी। पॉलिसी में उत्पादन से लेकर भंडारण पर फोकस किया जाएगा। सरकार का फोकस इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने पर भी होगा। इससे एमएसपी के करीब इंपोर्ट किए दालों की कीमत संभव होगी। भारत मांग का 10% दाल इंपोर्ट करता है। तो ये थी बात कि सरकार ने कीमतों पर लगाम रखने और सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तुअर और उड़द दालों के इंपोर्ट को फ्री कैटेगरी में ही फिलहाल रखने का फैसला किया है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।